हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं और इनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो फिर दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, और इसका सही आंसर है यूरी गैंग्रीन, जो कि रशिया से है। इंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है कीटक। भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है? तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 20,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है राजस्थान। भारत में कितना मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन सेंस की कैटेगरी में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, और इसका सही आंसर है ए बी ए बी ओ। तो ये चार रक्तगण जो है वो मानवीय शरीर में होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद रंग किसको दर्शाता है? तो जीके से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है शांति। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। एक रूबल यानी कितने रुपीज होते हैं? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होता है, और रूबल जो कि रशिया की करेंसी है उसकी आज की वैल्यू है लगभग एक रुपीज। और दोस्तों, ये करेंसीज के रेट हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ये सारे रेट जरूर चेक कर लो। पेट्रोल का आविष्कार किसने किया था? तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 1,60,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है एडविन ड्रेक, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन थे और इन्होंने पेट्रोल की खोज की थी। जीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड का फुल फॉर्म बताना होता है, और जीबी का फुल फॉर्म है गीगाबाइट। किस देश के लोग सबसे ज्यादा सोते हैं? तो जीके से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है फ्रांस, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो सबसे ज्यादा सोते हैं। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने किसने इसका आंसर सही दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 10 जीके के क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, आईक्यू के क्वेश्चंस और बहुत सारा जनरल नॉलेज शेयर किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।